हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट को कैसे हम प्रेजेंट रिव्यू में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप सबको पता ही है कि यहाँ पे बाईं ओर ऊपर की साइड यहाँ पे एक आइकन है जिससे स्लाइड शो हो जाता है। तो अब मैं स्लाइड शो ऑन कर रहा हूँ, क्लिक ऑन दिस। मैं यहाँ पे क्लिक करके और ये मैंने क्लिक किया। तो और आप अब स्पेस बार या मतलब यहाँ पे जो एरो की रहती है ना, उससे आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, आगे की स्लाइड और पीछे की स्लाइड पे जा सकते हैं। तो सिंपली मैं आगे की और पीछे की स्लाइड पे जा सकता हूँ। आप स्पेस बार से सीधा आगे की स्लाइड पे जा सकते हैं और माउस से भी क्लिक करते जाएंगे तो भी आगे की स्लाइड आती जाएगी। तो मैं पीछे थोड़ा सा यहाँ पे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बाईं ओर बिल्कुल नीचे की साइड में ये देखिए यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड पे जाने का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने से प्रीवियस जा रहे हैं, इस पर नेक्स्ट स्लाइड पे आगे वाले स्लाइड पे जा सकते हैं और इस पर पीछे वाले स्लाइड पे जा सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करने पे देखो पेन, लेजर पॉइंटर वगैरह सब कुछ है, ताकि मैं आगे चला जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे देखो अभी लेजर पॉइंटर लेके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से हम ये दिखा सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये है मेरा, सेकेंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये। और लेजर पॉइंटर से जो ऑडियंस वगैरह जो भी हमारा देखते हैं स्टूडेंट वगैरह, उनको आसानी से पता भी चलता है कि क्या आपको। अभी मैं जैसे यहाँ पेन सेलेक्ट किया तो मैं कोई अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, जैसे ओवर मैंने अंडरलाइन किया, बाद में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये भी अंडरलाइन किया, और फर्स्ट पॉइंट को मैं अंडरलाइन करते हुए ऐसे जा सकता हूँ ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। अभी मेरे को ये नहीं चाहिए तो मैं नहीं हटा दिया। ठीक है, ये जो तीन डॉट है हमें मैंने इस पर क्लिक किया और ऊपर की साइड में आप देखेंगे जो थर्ड ऑप्शन है वो है शो प्रेजेंट रिव्यू। मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया। ठीक है, तो ये है हमारा प्रेजेंट रिव्यू। इसमें देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पे टास्क बार दिख रहा है, कोई अभी आपको कोई फोल्डर खोलना है या कोई कुछ सर्च करना है तो आप सीधा वहाँ टास्क बार ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टास्क बार और ये देखो टास्क बार आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी खोल सकता हूँ, जैसे मैंने ये फोल्डर खोल के देखा, रिसेंटली मैंने स्लाइड शो में ये मेरे सारे फोल्डर है। और वापस आपको जाना हो तो सीधा यहाँ पे वापस आ गए आगे देखो, और दोबारा से इसके शो टास्क बार क्लिक करेंगे तो टास्क बार चला जाएगा अपने आप। ये देखो चला गया, डिस्प्ले सेटिंग है। यहाँ पे टाइम चल रहा है कि कितना टाइम हो गया मेरे को प्रेजेंट रिव्यू में यहाँ पे रहते हुए, लाइक मेरे को अभी 39 या 40 सेकंड है ये टाइम अभी जो हो रहा है हमारे क्लॉक में। ठीक है, और ये मेरी स्लाइड जो चल रही है नेक्स्ट स्लाइड के लिए यहाँ पे आसानी से दिख रहा है, और तो और नेक्स्ट स्लाइड का यहाँ पे प्रीव्यू भी दिख रहा है कि नेक्स्ट स्लाइड मेरी कौन सी आने वाली है, जिससे मेरे को पता रहे कि ये मेरी नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो मेरा मतलब फ्लो एकदम से चलता रहे। और इसमें भी वही सारे ऑप्शन है, पेन वगैरह, इरेजर वगैरह तुम ले सकते हो, हाईलाइटर भी ले सकते हो यहाँ पे। जैसे ये हाईलाइटर है, हाईलाइटर का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन ले रहा हूँ अभी, ये देखो। और इरेजर है, इसको सिलेक्ट करके इन सबको इरेज भी कर सकता हूँ। और तो बाद में ये सब हो जाएगा पॉइंट वो। ठीक है, तो ये इस तरह से सारे ऑप्शन है। ठीक है, आप यहाँ पे आराम से जा सकते हो। इसमें भी देखो लास्ट स्लाइड कौन सी है वगैरह है सब कुछ, ये देखो। और ये नोट्स है, अगर इस स्लाइड में कोई नोट्स होता तो यहाँ पे आ जाता। नोट्स को आप थोड़ा उसका नोट्स का साइज भी बड़ा कर सकते हो, फॉन्ट साइज भी देखिए बड़ा बड़ा है, छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं। और इसकी खास बात ये कि हमें ये यहाँ पे ये सब कुछ दिख रहा है। जैसे मेरे को ये सारी स्लाइड प्रेजेंट करना है, मैं यहाँ पे इसके नोट्स वगैरह बना के यहाँ से देख देख के पढ़ के बता सकता हूँ, और बाकी जो लोग भी देख रहे हैं उनको सिर्फ इतना ही दिख रहा है स्लाइड शो मोड वाला। तो ये मतलब प्रेजेंट करने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि हम प्रेजेंट रिव्यू में जाएं और आसानी से प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ से आराम से जा सकते हो, प्रीवियस स्लाइड में यहाँ से आराम से जा सकते हो। लेजर पॉइंटर वगैरह सेलेक्ट कर, लेजर पॉइंटर सेलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ से एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कि फ्यूचर ऑफ थिंग्स, नेक्स्ट स्लाइड चले गया। अब यहाँ से ये जो भी लिखा हुआ है इसको आराम से पढ़ सकता हूँ, रोड मैप क्या होगा मेरा, स्टेज 1, स्टेज 3, स्टेज 5। तो इस तरह से भी मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगता है। आप भी प्रेजेंट रिव्यू का यूज़ कर सकते हैं, और मेरे को लगता है मैंने सब कुछ प्रेजेंट रिव्यू के बारे में ऑलमोस्ट बता दिया है। तो भी आप एक बार कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे। एंड स्लाइड शो करने के लिए देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड पे एंड स्लाइड शो है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये देखो ये यहाँ पे पूछ रहा है मेरे को कि जो अभी मैंने इंक वगैरह और उसका चाहिए कि नहीं चाहिए मेरे को, नोटेशन वगैरह। मैं बोल रहा हूँ नहीं चाहिए तो डिस्कार्ड कर दिया मैंने। तो ये आज हमने सारा प्रेजेंट रिव्यू के बारे में देखा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।